सनुज का भी रुख कर लेते हैं, मेरठ से सनुज हमारे साथ बने। सनुज ये बताइए, मेरठ में क्या स्थिति है, मेरठ में क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, मेरठ की स्थिति तो ऐसी है कि राम भरोसे कही जा सकती है। मेरठ नगर निगम के अफसर बड़े बड़े दावे करते हैं, करोड़ों के काम करा दिए, अरबों रुपए के काम करा दिए, लेकिन फतेहुल्लापुर इलाके की आप ये तस्वीर देख लीजिए, थोड़ी बारिश रुकी तो थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन यहाँ देख लीजिए ये इलाके के तमाम लोग हैं, जब हम यहाँ कवरेज करने के लिए आए तो मेरठ वाजिब है। आप मेरठ शहर में खड़े हैं या किसी नदी में खड़े हैं? ये ऐसे जल तो गंगा स्नान यमुना स्नान में देखते हैं, आप मेरठ में ही है ना, किसी नदी में तो नहीं खड़े हैं? जी जी बिल्कुल, मैं मेरठ में हूँ और मेरठ नगर निगम का ये इलाका है, शहरी इलाका है, ये कोई देहात का इलाका नहीं है और ये मेन रोड है फतेहुल्लापुर इलाके की। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि मेरे घुटनों तक यहाँ पर पानी है, थोड़ी सी बारिश बंद हुई तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन पूरे इलाके की यही तस्वीर है। यहाँ पार्षद है दिलशाद शौकत, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए पार्षद जी, इतनी बुरी स्थिति कि घुटनों तक पानी है, अरे यहाँ के लोग? देखिए यहाँ के लोग जो है नरकीय जीवन जी रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मेरे भी घुटने डूबे हुए हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो मान लीजिए कभी लोगों के अधिकारियों से भी शिकायत की है कि कंप्लेंट भी करते रहते हैं, आप जिस तरीके से देखेंगे खाली रोडों की स्थिति ये नहीं है, यहाँ विद्युत विभाग की भी बहुत बड़ी लापरवाही है, खंभे रोडों पे झुके हुए हैं और उसके बावजूद भी, कितनी बार शिकायत करने के बावजूद भी, जिस तरीके से शासन दावा करती है कि गड्ढा मुक्त सड़क होनी चाहिए, आप अपनी आँखों से देख लीजिए, जो प्रशासन के लोग हैं वो आंखें मूंदे हुए हैं और मैं कहना चाहता हूं उन प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के कि वो अपनी आंखें खोलें और यहां जो लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, निगम क्षेत्र में जी रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, मैं उन लोग अधिकारियों के कहना चाहता हूं कि इन लोगों पे भी थोड़ा ध्यान दें और यहां भी गड्ढा मुक्त, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का दावा है कि हम जो है गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, तो मैं वो कहना चाहता हूँ, उनको भी आकर्षित करना चाहता हूँ इन रास्तों पर कि फतेहुल्लापुर नूरनगर की पुलिया से लेकर फतेहुल्लापुर रोड तक इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। स्थिति बनी हुई, आप बता दीजिए कितनी दिक्कत है, आपके भी घुटनों से ऊपर तक पानी आ रहा है? पूरी इलाके की यही स्थिति है, थोड़ी बारिश होती है और ऐसे ही पानी हो जाता है। नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, ऐसी रूम में बैठे हुए हैं, हम कहते हैं उन अधिकारियों से यहाँ आके हमारे साथ चलिए, देखिए क्या कंडीशन है, वो कहते हैं कोई परेशानी नहीं है, हम कहते हैं हमारे साथ आइए, आप देखिए खंभे पानी के अंदर हैं, यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक गाय मर गई है, एक भैंस मर गई है, पूरे इलाके के अंदर यही कंडीशन कर रखी है नगर निगम के अधिकारियों ने। बिल्कुल हालात ये है, बिल्कुल दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत है, देखो घुटने पानी आया हुआ तो आप देख लो ना, बहुत दिक्कत है। बिल्कुल सरोज आएंगे आपके पास, आप बता दीजिए वाकई आप देख रहे घुटनों से ऊपर तक है, रह कैसे रहे हैं भाई साहब? हम लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। नगर निगम में हमारे पार्षद साहब भी हैं, पार्षद साहब हमारे गए हुए हैं और जितने भी पार्षद साहब हैं इन्होंने भी यहाँ की एप्लीकेशन भी लगाई होंगी, इस पर कार्रवाई भी की होगी, लेकिन प्रशासन इतना भ्रष्ट हो रहा है कि कोई किसी की नहीं सुनता। देखिए कोई किसी की नहीं सुनता, बिल्कुल कोई किसी की सुनता नहीं, और यही वजह है सनुज कि मुझे ये भरोसा करने में वक्त लग गया कि क्या वाकई आप मेरठ शहर में खड़े हैं, क्योंकि शहर की तस्वीर तो ऐसी होती नहीं है। शैलेश भी हमारे साथ बने, शैलेश वीरेश जी जहाँ खड़े हैं वहाँ पर यकीन करना मुश्किल है कि वो लखनऊ में खड़े हैं, पानी घुटने तक है। सनुज जहाँ खड़े हैं वहाँ पर यकीन करना मुश्किल है कि मेरठ में है। तो ये बताइए कि वाकई तस्वीरें ये सही हैं या मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है केवल? अवधेश यही असली तस्वीर है, यही वो सच्ची तस्वीर है जो आज एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हम इस समय मौजूद है फैजुल्लागंज में। इससे पहले जब हमने तस्वीरें आज दिन में दिखाई थी तो हमने जानकीपुरम का इलाका दिखाया था जहां कारें आधी से ज्यादा डूबी हुई थी और अब हम फैजुल्लागंज आ गए। बरसात रुकी थी तो पानी कम हुआ, हालांकि फिर बौछार शुरू हो गई है हमारा कार्यक्रम होते होते। तो ये देखिए ये कार खड़ी हुई है, पानी जो है अब कम होने के बाद देखिए क्या स्थिति है। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिए स्थानीय पार्षद भी आए हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रंग भी ले रहा है, राजनीतिक रूप भी ले रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो क्षेत्रीय जनता उससे बात कर रहे हैं। ये गणेश विहार कॉलोनी कहलाती है फैजुल्लागंज इलाके में। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल जो चेहरे हम देख पा रहे हैं ये उत्तर विधानसभा लगती है और यहाँ से इस बार सपा की प्रत्याशी रही पूजा शुक्ला, वो खुद यहाँ पर आई हैं, स्थानीय पार्षद दिख रहे हैं तमाम और जो सपा के कार्यकर्ता है वो और स्थानीय लोग भी हैं जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं। तो क्या कहना है इन लोगों का उनसे भी जानते हैं, लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए, पूरा एक नज़ारा दिखा देते हैं यहाँ पर 360 डिग्री से कि किस तरह से पानी जहाँ तक नजर जाएगी
तो यही जल भराव आपको नजर आएगा। कुछ खाली प्लॉट भी है, कुछ लोगों के मकान भी है, और आगे जो पीछे की तरफ ये देखिए, और पीछे की तरफ जो मकान है लोगों के, वहां तक तो जाना ही बहुत एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। अगर आपसे हम बताएं तो देखिए, पीछे की तरफ जो मकान है वहां तक तो जाना चुनौतीपूर्ण है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पूजा, ये बताइएगा कि उत्तर विधानसभा से आप भी चुनाव लड़े थे और इस बार फिर यहाँ पर आ गए हैं, क्या बताया लोगों ने अब तक? देखिए, लोग पूरी उत्तर विधानसभा का ये हाल है कि पूरी उत्तर विधानसभा के अंदर पानी घरों के अंदर जा चुका है, आवागमन में बहुत समस्याएं हैं। हम जहां पर भी जा रहे हैं लोगों के घर डूब गए हैं और लोग अपने घरों से बाहर खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं आया। पानी किसकी है? सरकार की, यहाँ की विधायक की, क्योंकि आपको जब माल पार्षद तो यहाँ पर आपके हैं, वो भी साथ में खड़े, उनसे भी बात कर ले। समाजवादी पार्टी से ही पार्षद है, क्या नाम है? जगलाल यादव। जगलाल जी, ये बताएं यहाँ पर ये जो स्थिति है, भाई आप पार्षद हैं, जिम्मेदारी तो कुछ आपकी भी बनती जी? मेरी पूरी जिम्मेदारी, लेकिन जो हमसे हो सका मैंने पूरी रोटे बनवाई, और ये शासन प्रशासन का काम है। अगर वो लोग अगर कोशिश किए होते, सरकार अगर चाहती तो हमारे यहाँ नाला बन जाता तो सब समस्या हल हो जाती। तो जब तक यहाँ फजुल्लागंज में नाला नहीं बनेगा तब तक दिक्कत बनी रहेगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए पूजा कि ठीक है यहाँ पर जो समस्याएं हैं, आप चुनाव नहीं फिलहाल अच्छा लड़े, जीते नहीं, एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कभी चुनाव के बाद जो स्थानीय विधायक है उनसे मुलाकात करके समस्या बताई, ये तो आप लोग का अभी भी दायित्व बनता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ के स्थानीय लोग लगातार विधायक की आवास पे जाते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि विधायक नहीं मिलते हैं। उनका कुछ निर्धारित समय है, लोग वहाँ पर गए और कोई वो यहाँ से अभी चुने हुए विधायक नहीं, वो पिछले 5 साल भी यहाँ के विधायक रहे। उनको पता है कि फैजुल्लागंज में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल भराव की है। मैंने अपने पूरे चुनाव में बस यही कहा कि यहाँ पर नाले हैं, नाले की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर हम जब तक बंधा नहीं बनवाएंगे, जब तक हम नाला नहीं बनवाएंगे, जब तक हम इनको कोई परमानेंट सलूशन नहीं देंगे। बात करें, आप यहीं पर रहते हैं जी, क्या नाम है आप? मेरा चांदनी कश्यप। चांदनी जी, इन हालात में अपने घर से बाहर कैसे निकलते? देखिए, जैसे ऐसे निकलते हैं ऐसे ही निकलना पड़ता है, पानी में डूब के ही निकलते हैं। बारिश, हर बारिश में यही माहौल रहता है। बच्चों को तो घर से निकलने नहीं देते, ना स्कूल जाने देते हैं ना घर से निकलने देते हैं, क्या करें, बंद करके रखना पड़ता है। एक चीज आप बताइए, आप आगे क्या नाम है? विनीता राजपूत। विनीता जी, ये बताइए कि यहाँ पर जब इतना पानी भर रहा है, हम देख रहे हैं क्योंकि गंदगी भी है, सीवर का पानी सब मिक्स होकर आ रहा है, तो बीमारियों का भी बड़ा खतरा और का बहुत ज्यादा बीमारियाँ हैं, लोगों को परेशानियाँ हैं, लेकिन क्या किया जाए, कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। आप लोग सब यहीं रहते हैं भाई साहब? आगे आइएगा, आप यहीं पे रहते हैं? क्या नाम है आप? विवेक कुमार। आपका घर इसी गली में? इसी गली में। देखिए, अब देखिए एक चीज दिखाएं, जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। देखिए नीचे आप देखेंगे पानी का लेवल बिल्कुल, जैसे और जैसे यही कोशिश भी दिखाने की कि लखनऊ में जो अधिकारी बैठे हैं उन्हें ये तस्वीरें नजर आए और उन्हें अपने आंकड़ों और कागजों का जो माया जाल उनकी आंखों पर पड़ा है वो उस मुगालते से निकले। जनता परेशान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।